नमस्कार सभी को। मायसेल्फ डॉक्टर मोहन भाकर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बोटनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। इस वीडियो में हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में देखेंगे। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है, और सेमी कंजर्वेटिव मेथड का डिस्कवर किया था मिशेलसन एंड स्टाल ने डिस्कवर किया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड का मतलब है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। अब डबल स्ट्रैंड से डीएनए बनेगा, तो जैसे ये एक नंबर, ये दो नंबर, तो इससे दो कॉपी बनेगी, तो ये कॉपी यहाँ पे आ जाएगी, ये कॉपी यहाँ पे आ जाएगी, ये नई कॉपी होगी, ये नई कॉपी होगी। तो इसका मतलब है कि जो डीएनए होता है रेप्लिकेशन के बाद, इसमें एक कॉपी पेरेंटल होती है, एक न्यू कॉपी होती है। एक कॉपी पेरेंटल होती है, एक न्यू होती है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है, और ये बात बताई थी मिशेलसन एंड स्टाल ने। नाइट्रोजन N15 रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज करके उन्होंने ये बताया था कि डीएनए का जो एक स्ट्रैंड नया बनता है, एक स्ट्रैंड पेरेंटल होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। और डीएनए मोनोरेप्लिकोनिक डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए का साइज छोटा होता है, डीएनए सर्कुलर होता है, और इस सर्कुलर डीएनए में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है, ORIC होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ एक ही रेप्लिकेशन साइट होती है, और इसलिए प्रोकैरियोटिक डीएनए मोनोरेप्लिकोनिक कहलाते हैं, ORIC होते हैं। और जबकि यूकैरियोटिक डीएनए बहुत बड़ा या बहुत अधिक कंटेंट होता है डीएनए का, तो वो पॉलीरेप्लिकोनिक होता है, मल्टीपल रेप्लिकेशन साइट होती है जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। रेप्लिकेशन का डायरेक्शन हमेशा 5' to 3' होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, अगर रेप्लिकेशन एक डीएनए स्ट्रैंड से दूसरा डीएनए बन रहा है, तो उसका डायरेक्शन हमेशा 5' to 3' होगा। क्यों होगा? क्योंकि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो इसका मतलब डीएनए में न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, और डीएनए में न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं तो हमेशा 3 पोजीशन पे ही फ्री OH ग्रुप होता है, इसलिए नया न्यूक्लियोटाइड 3 पोजीशन पे ही आके ऐड होता है, और फ्री 3 OH ग्रुप के बिना नया न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हो सकता, इसलिए डायरेक्शन हमेशा 5' to 3' होते हैं। फर्स्ट पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पोल फर्स्ट था। डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक की अगर बात करें तो टोटल डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड डीएनए पॉलीमरेज 5, टोटल 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज हैं। सबसे पहले डिस्कवर किया था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो कोरेनबर्ग एंजाइम भी कहलाता है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी 3' to 5' एक्सोन्यूक्लीज एक्टिविटी। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या होती है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे? डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, अगर यहाँ पे ए है तो रेप्लिकेटिंग डीएनए में यहाँ पे थायमिन होगा, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए होगा। इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का रेप्लिकेशन होता रहता है, नया स्ट्रैंड इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। अगर गलती से थायमिन की जगह यहाँ पर ए की जगह जी आ गया तो उसको हटाना, मतलब इस एक्टिविटी को बोलते हैं, जो मिसमैच न्यूक्लियोटाइड है या बेस पेयर है उसको हटाना एक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है। ये 3' to 5' एक्सोन्यूक्लीज एक्टिविटी होती है, क्योंकि यहाँ से कट लगेगा, तो 3 to 5' एक्सोन्यूक्लीज एक्टिविटी ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहलाती है। हम देखेंगे आगे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के बारे में। प्राइमर रिमूविंग एक्टिविटी हमेशा 5' to 3' एक्सोन्यूक्लीज एक्टिविटी होती है। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में हमें प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, बिना प्राइमर कभी भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। तो स्टार्टिंग में जो प्राइमर बनता है 20 to 30 बेस पेयर का, जो आरएनए प्राइमर होता है, तो रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद प्राइमर को हटाया जाता है। प्राइमर को हटाने के लिए जो एक्टिविटी होती है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लीज एक्टिविटी होती है,
फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम, जस्ट रिवर्स है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी एंड प्राइमर रिमूविंग एक्टिविटी। प्राइमर रिमूविंग एक्टिविटी एंड फिलिंग गैप एक्टिविटी, ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम होता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्राइमर को हटाता है बाय द एक्टिविटी ऑफ फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एक्सोन्यूक्लिज एक्टिविटी, और उसके बाद प्राइमर को हटाने के बाद जो गैप क्रिएट हुआ है उस गैप को फिलअप करने का काम भी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। और द मैन पॉलीमरेज एंजाइम इन प्रोकैरियोटिक दैट इज डीएनए पोल थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मैन पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो मैन रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेशन करता है। और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्राइमर को हटाना, और उसके बाद प्राइमर को हटाने के बाद जो गैप क्रिएट हुआ उस गैप को भरने का काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। तो मैन पॉलीमरेज एंजाइम इन प्रोकैरियोट, हम यहाँ पे जो रेप्लिकेशन देख रहे हैं सिर्फ प्रोकैरियोटिक का देख रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, एक बड़ा एंजाइम होता है, टोटल 17 सब यूनिट होती है, वही मैन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। अब हम देखेंगे थोड़ा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के बारे में, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की स्ट्रक्चर देखेंगे। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मैन पॉलीमरेज एंजाइम होता है इन प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन का काम डीएनए पोल थर्ड के द्वारा होता है। कॉम्प्लेक्स एंजाइम और टोटल 10 डिफरेंट सब यूनिट होती हैं और टोटल 17 सब यूनिट होती है। टाइप हम देखेंगे तो 10 टाइप की सब यूनिट होती हैं, टोटल सब यूनिट 17 होती हैं। डीएनए पोल थर्ड में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। अल्फा सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट बीटा गामा एप्सिलॉन थीटा टाऊ, ऐसे अलग अलग सब यूनिट होते हैं। टोटल 10 डिफरेंट टाइप की सब यूनिट होती हैं और टोटल सब यूनिट 17 सब यूनिट से मिलकर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बनता है। अल्फा सब यूनिट होती है वो पॉलीमराइजेशन के लिए होता है, डीएनए का पॉलीमराइज करने के लिए न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए अल्फा सब यूनिट पॉलीमराइजेशन का काम करता है। बीटा सब यूनिट ऑप्टिमम प्रोसेसिविटी के लिए होती है। ऑप्टिमम प्रोसेसिविटी क्या होता है कि एक बार डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के बाद कितने न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, इस कैपेसिटी को बोलते हैं कि प्रोसेसिविटी। जिस एंजाइम में जितनी ज़्यादा प्रोसेसिविटी होती होगी वो उतना एफिशिएंट होगा। एक एंजाइम जैसे डीएनए पोल फर्स्ट है, प्राइमर को रिमूव करता है और प्राइमर में मैक्सिमम 30-35 बेस पेयर होते हैं, उन बेस पेयर को ही उसके बाद जो गैप को फिलअप करने का काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की प्रोसेसिविटी बहुत ज़्यादा होती है एक बार स्टार्ट होने के बाद, और रेप्लिकेशन कितने न्यूक्लियोटाइड ऐड की ही कैपेसिटी प्रोसेसिविटी कहलाती है। और यूकैरियोटिक में सेम सब यूनिट होती है पीसीएनए, जो प्रोसेसिविटी को बढ़ाने का काम करता है। पीसीएनए ये बीटा सब यूनिट की तरह फंक्शन करती है। ये बीटा सब यूनिट प्रोकैरियोट में होते हैं, पीसीएनए यूकैरियोट में होते हैं। और एप्सिलॉन सब यूनिट है ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के लिए होता है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिज होती है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिज एक्टिविटी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहलाती है। और इनके अलावा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक जो इसमें कोर एंजाइम भी होता है और क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स भी होता है, और कंप्लीट 17 सब यूनिट से मिलके एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है जो डीएनए पॉलीमराइजेशन या डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रोकैरियोटिक में मैन पॉलीमरेज एंजाइम है। अब हम देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन की क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले डीएनए ए प्रोटीन होती है जो डीएनए ए प्रोटीन, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, जहाँ पर ओरिजिन कहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है उस साइट को रिकॉग्नाइज करती है, या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORIC ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट को रिकॉग्नाइज करती है। उसके बाद हेलिकेज एंजाइम होता है, हेलिकेज एंजाइम
हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। डीएनए डबल स्टैंड होता है, डीएनए डबल स्टैंड को जैसे यहाँ पे थायमीन है तो यहाँ पे एडिनिन होगा, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी, तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने का काम हेलिकेज एंजाइम करता है। और डबल स्टैंड डीएनए को सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करने के लिए हेलिकेज एंजाइम का यूज होता है। तो हेलिकेज एंजाइम डबल स्टैंड डीएनए को सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करता है ताकि डीएनए का रेप्लिकेशन हो। और ये क्या करता है कि ए टी और जी सी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तोड़ के डबल स्टैंड को सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद प्राइमेज प्राइमर का सिंथेसिस करता है। बिना प्राइमर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। प्राइमर एक आरएनए की शॉर्ट सीक्वेंस होती है, 20 to 30 बेस पेयर, उसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो प्राइमेज एक्टिविटी या प्राइमेज एंजाइम जरूरी है। डीएनए जी प्रोटीन होती है, प्राइमेज एंजाइम की तरह बिहेव करती है, ये प्राइमर सिंथेसिस करते हैं, प्राइमर हमेशा आरएनए प्राइमर होता है। उसके बाद टोपो आइसोमरेज एंजाइम, यहाँ से हेलिकेज एक्टिविटी के बाद अगर यहाँ पे सुपर कोइलिंग हो जाती है तो सुपर कोइलिंग को हटाने का काम टोपो आइसोमरेज करता है। प्रोकैरियोटिक सेल में इसको गायरेज भी कहते हैं। टोपो आइसोमरेज हेलिकेज एक्टिविटी के कारण अब यहाँ से डीएनए डबल स्टैंड होता है, एंटी पैरल होता है, तो यहाँ पर ओपन होगा तो यहाँ पर सुपर कोइलिंग आएगी। सुपर कोइलिंग को रिमूव करने का काम टोपो आइसोमरेज या गायरेज एंजाइम करता है। इसके बाद SSB प्रोटीन होती है, SSB सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। एक बार डीएनए डबल हेलिक्स से सिंगल हेलिक्स सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो गया तो सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट होने के बाद वापस डीएनए फोल्ड न हो तो बहुत सारी SSB सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती हैं, ये डीएनए को वापस डबल स्टैंड में कन्वर्ट करने से रोकती हैं, तो इस प्रकार की प्रोटीन को बोलते हैं SSB सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। और जब तक रेप्लिकेशन नहीं होगा तब तक ये बाइंड रहेंगी और उसके बाद ये हट जाएंगे। SSB बाइंडिंग प्रोटीन एक बार हेलिकेज एक्टिविटी के बाद डीएनए डबल स्टैंड से जब सिंगल स्टैंड हो गया तो वापस उसको कोइलिंग से रोकने के लिए SSB प्रोटीन बाइंड होती है। डीएनए रेप्लिकेशन का बात करें तो दो स्ट्रैंड होते हैं, एक तो लीडिंग स्ट्रैंड, एक लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड ये 3' होगा, डीएनए के दो स्ट्रैंड, जिस स्ट्रैंड का कंटिन्यूस, जैसे ये स्ट्रैंड है, ये कंटिन्यूस डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है 5' to 3', तो ये लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। और जब लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है, जिसका सिंथेसिस ओकाजाकी फ्रेगमेंट के रूप में होता है, टुकड़ों के रूप में जिनका सिंथेसिस होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। तो इसमें 5' 3' 5' 3' 5' डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा 5' to 3' होता है, 5 to 3। अब यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, यहाँ से इतने पार्ट का रेप्लिकेशन होगा और उसके बाद ये गैप को फिल किया कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन होगा वो कंटिन्यूस न होकर टुकड़ों के रूप में होगा, इस प्रकार के जो फ्रैगमेंट है उसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और इस प्रकार का स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है और इसमें कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है उसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, 5' to 3'। अगर इसी की ये हम अगले स्लाइड में देख लेंगे कि कैसे ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनते हैं। तो टोपो आइसोमरेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम, सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी,
सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम, उसके बाद प्राइमेज, टोपो आइसोमरेज, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज। थर्ड ये मैन पॉलीमरेज एंजाइम है, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो प्राइमर को रिमूव करेगा, और प्राइमर रिमूव के बाद जो गैप होगा उस गैप को फिलअप करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ओवरव्यू या समरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, ये पूरा डबल स्ट्रैंड है, ये जो ब्लू कलर में है ये पूरा डबल स्ट्रैंड है। उसके बाद डीएनए का हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, इसको ओपन करेगा। हेलिकेज एंजाइम ओपन करेगा तो ये 3 प्राइम है, तो यहाँ पे 5 प्राइम होगा। 5 प्राइम पे सबसे पहले प्राइमर बाइंड होगा। प्राइमर बाइंड होने के बाद ये 5 2 3 5 2 3 ये स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। यहाँ पर रेप्लिकेशन कंटिन्यूस होता जाएगा क्योंकि ये 5 प्राइम है, तो इस साइड में हमेशा 3 प्राइम होगा। 3 प्राइम होगा तो फ्री OH ग्रुप इस साइड में, तो इस स्ट्रैंड का कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता रहेगा। लेकिन ये स्ट्रैंड, ये लीडिंग स्ट्रैंड हो गया, ये क्या है लीडिंग स्ट्रैंड, लेकिन ये क्या है लैगिंग स्ट्रैंड। इसका सिंथेसिस ऊपर वाले स्ट्रैंड की तरह कंटिन्यूस नहीं होता क्योंकि यहाँ पे फाइव प्राइम है तो यहाँ पे 3 प्राइम होगा। 3 होगा तो 3 to 5 डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले प्राइमर का सिंथेसिस होगा, और उसके बाद यहाँ पे 5 प्राइम, और उसके बाद इतने स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा 5 to 3। उसके बाद ये प्राइमर इस पार्ट का सिंथेसिस करेगा, ये प्राइमर इतने पार्ट का। तो उसके बाद ये अलग अलग क्या बन गए, सेगमेंट बन गए, जिनको ओकाजा की सेगमेंट कहते हैं। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, वो पहले प्राइमर को हटाएगा, और उसके बाद प्राइमर को हटाने के बाद ये प्राइमर की जगह डीएनए रेप्लिकेशन एक्टिविटी के थ्रू, पॉलीमरेज एक्टिविटी के थ्रू ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, और ये जो गैप बना उस गैप को फिलअप करने का काम भी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। और जो टुकड़ों के रूप में जो डीएनए का फॉर्मेशन हुआ था डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा, तो उन टुकड़ों में प्राइमर को हटाना और उसके बाद वो बीच के गैप को जोड़ने का काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। और इस प्रकार इस वाले डीएनए का भी सिंथेसिस ऐसे होता रहता है, इनके गैप बाद में फिल हो जाएंगे, और इस प्रकार ये भी कंटिन्यूस बन जाएगा। तो ये हेलिकेज एंजाइम और टोपोआइसोमरेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम डबल स्ट्रैंड को अनवाउंड करता है, ओपन करता है, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है। सबसे पहला स्टेप यही है, हेलिकेज अनविंड द पेरेंटल डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स को सिंगल हेलिक्स में कन्वर्ट करता है हेलिकेज एंजाइम। उसके बाद सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड होती है, उसको वापस डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होने में रोकती हैं, और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड के बाउंड होकर उसको स्टेबलाइज करते हैं। उसके बाद तीसरा है, द लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज कंटिन्यूसली 5 to 3। ये लीडिंग स्ट्रैंड है, इसका सिंथेसिस 5 to 3 कंटिन्यूस होता रहता है। और ये क्या है, द लैगिंग स्ट्रैंड, ये है लैगिंग स्ट्रैंड, और इसका डिसकंटिन्यूसली सिंथेसिस होता है। प्राइमर सिंथेसाइज ए शॉर्ट आरएनए प्राइमर, प्राइमेज सिंथेसाइज ए शॉर्ट आरएनए प्राइमर विच इज एक्सटेंडेड बाय डीएनए पॉलीमरेज टू फॉर्म एन ओकाजाकी फ्रेगमेंट। सबसे पहले एक प्राइमर बनता है, जैसे ये प्राइमर बन गया, प्राइमर बनने के बाद प्राइमर का निर्माण प्राइमेज एंजाइम करता है, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड रेप्लिकेशन करता है। उसके बाद बीच में कुछ गैप रह गया, और प्राइमर को हटाना और उस गैप को भरने का काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। आफ्टर द आरएनए प्राइमर इज रिप्लेस बाय डीएनए, डीएनए लाइगेज जॉइन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट टू द ग्रोथ स्ट्रैंड। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो गैप भरता है, उसके बाद लाइगेज एंजाइम क्या करता है कि जो दोनों जो ओकाजाकी सेगमेंट है
उनको जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज करता है। तो ये लैगिंग स्ट्रैंड जो डिसकंटिन्यूस था, ये भी उसके बाद एक कंटिन्यूस डीएनए सेगमेंट के रूप में कन्वर्ट होता है। तो ये समरी है डीएनए रेप्लिकेशन की। सबसे पहले हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो डीएनए के डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते हैं। टोपोआइसोमरेज सुपरकोलिंग को हटाता है। उसके बाद एसएसपी प्रोटीन बाइंड होती है जो डबल स्ट्रैंड को वापस सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होने से रोकती है। उसके बाद लीडिंग स्ट्रैंड का कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है, लैगिंग स्ट्रैंड का ओकाजाकी फ्रैगमेंट के रूप में सिंथेसिस होता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए प्राइमर को हटाता है और गैप को फिल करता है और लाइगेज एंजाइम बाद में जोड़ने का काम करता है। तो ये भी लैगिंग स्ट्रैंड भी कंटिन्यूस स्ट्रैंड के रूप में बन जाता है। तो ये है समरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। थैंक यू।